नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जाधव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जेसीबी वाला गुरुजी में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम जेसीबी 3DX में जैसे इंजन होता है, जैसे एक्सल होता है, ट्रांसमिशन भी बहुत एक बड़ा हिस्सा है हमारे जेसीबी 3DX का। तो आज ट्रांसमिशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूँगा जो कि आपके बहुत काम आएगी, चाहे आप बिगनर्स हो या आप थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा सा डीप भी आप में इस वीडियो में मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक ताकि कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो आज तक नहीं मिली थी। मेन पॉइंट ये है हमारा, एक बार ट्रांसमिशन के अंदर किसी रीज़न से पानी जाता है और वो ट्रांसमिशन ऑयल के साथ मिक्स होता है तो उसे निकालने का कोई तरीका है या पूरा ट्रांसमिशन खोलना पड़ेगा? अगर तरीका है तो कैसे किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल है ट्रांसमिशन का ऑयल से पानी निकालने को, और ट्रांसमिशन में कौन सा ऑयल डालना चाहिए, ट्रांसमिशन में बाहर का अगर आपको ऑयल डालना है कंपनी छोड़ के तो कौन सा ऑयल आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार ट्रांसमिशन के अंदर पानी जाता है तो एक बार इंटर होता है किसी भी रीज़न से, जाने के तरीके मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो है उनमें बताया है, चाहे आपकी गियर का टरेट रबर फट के जाएगा या हम जहाँ से ऑयल डालते हैं उस पाइप के नीचे एक सील होता है वहाँ से भी ऑयल जा सकता है। मान के चलिए किस रीज़न से हमारे ट्रांसमिशन में ऑयल जाता है तो आमतौर पर लोग ट्रांसमिशन का ऑयल छोड़ देते हैं, दूसरा ऑयल डालते हैं, आमतौर पर बोल रहा हूँ मैं, तो ऑयल फिर से वैसे ही होता है जैसे पहले था। कुछ लोग चार चार बार ऑयल चेंज करते हैं, कोई उन्हें सजेस्ट भी करता है कि दो चार बार करेंगे तो हो जाएगा, बट ऑयल निकलता नहीं है, ऑयल का उस पानी का हिस्सा उसमें बचा रहता है। कुछ लोग एडवांस तरीके से भी पानी को निकालते हैं, जो कूलर होता है कूलर के पाइप में से पूरा कूलर का ऑयल भी निकालते हैं, फिर भी पानी अंदर मौजूद रहता है। अब करके कितना करेगा बंदा, कोई भी मालिक हो, दो बार तीन बार कर सकता है, ऑयल कर चेंज करने के लिए भी काफ़ी बड़ा खर्चा है, तो दो बार तीन बार ऑयल चेंज करेगा तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है और फाइनली पानी वही का वही रहता है। उसका रीज़न है हमारे सिस्टम में एक होता है टॉर्क कन्वर्टर, अगर मेरे पास उसका वीडियो उसकी क्लिप मौजूद है तो आपको यहाँ पर वो क्लिप दिखेगी। हमारे ट्रांसमिशन और इंजन दोनों के बीच होता है टॉर्क कन्वर्टर को, टॉर्क कन्वर्टर में 2 से 2.5 लीटर पानी चाहे आप कुछ भी करो निकलेगा नहीं, तब तक नहीं निकलता जब तक कि आप ट्रांसमिशन को नीचे लेके उस टॉर्क कन्वर्टर को खोल के उल्टा करके हिलाना पड़ता है आपको, उसके बाद धीरे धीरे पानी निकलता है, मतलब जो ऑयल पानी मिक्स हुआ है वो निकलेगा। पूरी तरह से उसको निकालने में काफ़ी देर लग जाता है, आधा घंटा लगभग पकड़ के चलिए, और उसमें फिर से ऑयल डालना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा, फिर से ऑयल डालना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा टॉर्क कन्वर्टर में, चाहे आप आधा लीटर डालें या 1 लीटर डालें, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर को मशीन से बाहर निकालना पड़ता है और उसे ऐसे ऐसे करके ऑयल निकालना पड़ता है, और फिर कूलर भी साफ़ करना पड़ता है और ट्रांसमिशन को भी अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है, तब जाके हमारे ट्रांसमिशन में से जो पानी वाला ऑयल है निकलता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन में टोटल कौन सा ऑयल बैठता है, कितना ऑयल बैठता है। देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी डिज़ाइन करती है वो ऑयल आपको डालने लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी निर्माता ने उसके अंदर के पार्ट्स को डिज़ाइन किया होता है, उस हिसाब से ऑयल को भी डिज़ाइन किया जाता है और वही ऑयल डालना चाहिए जो कंपनी देती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है, TQ ऑयल आता है रेड कलर का, अब वो ऑयल हमने खुद कई सालों से देखा है, यूज़ किया है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, बस उसमें आपको एक ब्रांड देखना है, चाहे आप HP का ले लो, कैस्ट्रॉल का ले लो, थोड़ा सा अच्छा ब्रांड होना चाहिए। TQ ऑयल होता है, TQ रेड कलर का ऑयल आता है, वो आप ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको कंपनी का महंगा लगता है या कोई भी रीज़न है तो आप TQ ऑयल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, 2005 से लेके अब तक के कोई भी मॉडल में और 5 से पहले भी बहुत सारे मॉडल में आप TQ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, टोटल ऑयल अगर हम निकालते हैं ट्रांसमिशन से
तो टोटल मतलब टॉर्क कन्वर्टर हो, कूलर हो या ट्रांसमिशन, ऑयल फिल्टर, उसकी सारी गैलरी, उनमें से ऑयल निकालते हैं तो टोटल ऑयल बैठता है 17.5 लीटर, 17.5 लीटर ऑयल सारा बैठता है। अब सिर्फ किसी रीजन से आपको घर में ही ऑयल चेंज करना है तो हम एक तो ड्रेन प्लग होता है, 16 नंबर का पाना आता है वहाँ पे, वहाँ से छोड़ोगे तो 11 लीटर अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो 11 लीटर ऑयल आप सिर्फ छोड़ने से डालना चाहते हैं तो उतना ऑयल आपको लगता है। हर 500 घंटे में ट्रांसमिशन का ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर चेंज करना चाहिए। अगर आप कूलर का ऑयल निकालते हैं तो लगभग 15 लीटर ऑयल आपको लगेगा चेंज करने में, ट्रांसमिशन में 10 से 11, और 4.5 4 लीटर हमारे कूलर सिस्टम में ऑयल होता है। और जो आपको लास्ट में मैंने बताया था कि टॉर्क कन्वर्टर, उसमें भी लगभग अप्रॉक्स 2 2.5 लीटर ऑयल निकलता है। तो ये सारा ऑयल मिला के 17.5 लीटर हो गया। आमतौर पे आपका मान के चलिए ट्रांसमिशन को कुछ भी नहीं हुआ, ट्रांसमिशन एकदम अच्छा है, तो आपको नीचे का बोल्ट या स्टेनर होता है उसको खोल के 10 11 लीटर ऑयल निकलेगा, और 10 11 लीटर ही ऑयल डालना चाहिए, बस इतना ही है। और भी आपको ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप एसएमएस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके आपकी कमेंट कर सकते हैं, आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं ट्रांसमिशन रिलेटेड, लगभग ऑयल कौन सा डालना है, कितना बैठता है, एक बार पानी मिक्स होने के बाद उस ऑयल को कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है आज के वीडियो में मैंने लगभग सारा के सारा क्लियर किया है। फिर भी किसी को कोई भी दिक्कत है ट्रांसमिशन रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पोस्ट कीजिए। मैं फ्यूचर में जब भी कल परसों कोई भी मशीन पे जाऊंगा और आपका प्रश्न बताने लायक होगा तो उस पर भी छोटी सी वीडियो बना के मैं हमारे इस चैनल पर शेयर जरूर करूंगा। आशा करता हूँ ये मेरी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस एक लाइक कीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़्यादा एडवांस में आप कुछ नॉलेज हमारे पास से लेना चाहते हैं तो हमारी छोटी सी मेंबरशिप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो कंपलसरी नहीं है, एडवांस के लिए आपको वो कर लेनी चाहिए। बस मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।